सो फाइनली होंडा कंपनी ने अपनी एक्टिवा 125 में भी स्मार्ट की वाला फीचर्स दे के BS6 फेज 2 इंजन के साथ हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर चुकी है, जिस पर कि दोस्तों कंपनी ने जो है 2 से 3 बड़े बड़े चेंजेस भी किए हैं। तो उसी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो लगभग जो है इसका प्राइस आप लोग को पहले के मुकाबले 10,000 रुपये इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि अभी जो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग आप लोग को 74,536 रुपये देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग टॉप मॉडल लेते हैं स्मार्ट की वाला वेरिएंट तो उसका जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 88,093 रुपए देखने को मिलने वाला है एक्स शोरूम। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोग को चेंजेस के बारे में बताता हूं कि पहले के मुकाबले क्या कुछ चेंजेस किया गया है। तो सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है दोस्तों वो तो किया गया है स्मार्ट की फीचर्स में, जो कि आप लोग को एक्टिवा 110 में जैसा आप लोग को फीचर्स देखने को मिलता था स्मार्ट की वाला, सेम वही फीचर्स दोस्तों आप लोग को एक्टिवा 125 में भी देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों आप लोग को वही कीलेस फीचर्स देखने को मिलेगा, यानी कि 2 मीटर के रेंज में अगर आपकी की आएगी दोस्तों तो आप लोग चाबी को बिना लगाए स्कूटी को जो है ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ स्कूटी को जो है आप लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग सीट को भी खोल सकते हैं और फ्यूल कैप को भी आप लोग इजीली तरीके से खोल सकते हैं गाड़ी का, वो भी बिना चाबी को लगाए हुए। तो ये सारे चीजों को आप लोग स्कूटी का एक्सेस कर पाएंगे अगर आपकी चाबी जो है स्कूटी से 2 मीटर के रेंज में होगी। तो यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को एक और फीचर्स के बारे में बता दूं कि अगर आपकी जो चाबी है दोस्तों स्कूटी से अगर 10 मीटर के रेंज से बाहर जाती है तो आपकी जो स्कूटी है गाइज वो जो है ऑटोमेटिकली हैंडल लॉक कर लेगी अपने आप ही, आपको हैंडल लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेफ्टी वाइज भी काफी ज्यादा बेहतरीन फीचर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग को मेनली यही सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो आप लोग को मेन चेंजेस देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों इंजन पे, जो कि अब आप लोग को BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जिस पर कि दोस्तों गाड़ी पर आप लोग को OBD2 सेंसर भी देखने को मिलेगा। गाड़ी जो है रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स के साथ आ रही है और साथ ही साथ गाड़ी पे आप लोग E20 वाला फ्यूल को भी यूज कर पाएंगे, यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। बाकी इंजन जो है दोस्तों वो पहले की तरह ही है, जो कि 124cc का एयर कूल्ड इंजन है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को 8.19 BHP तक की पावर देखने को मिलती है और 10.4 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आप लोग को इन्हीं सारे चीजों में चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एग्जैक्ट आप लोग को पहले जो फीचर्स मिलते थे वो सभी फीचर्स आप लोग को अब भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ही चीजों को जो है चेंजेस किया गया, जो कि पहला स्मार्ट की का, सेकंड जो है BS6 फेज 2 वाला इंजन का। यहाँ पर आप लोग को 2 ही चीजों का जो है चेंजेस देखने को मिलेगा और प्राइसिंग जो है वो पहले के मुकाबले 10,000 रुपये बढ़ चुकी है। तो अब आप लोग बताएं दोस्तों कि क्या आप लोग अब इस स्मार्ट की के फीचर्स के साथ इस एक्टिवा 125 को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, या फिर ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।